ने दिल्ली के पूरे अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों की दशा बदली है। दिल्ली में अच्छा इलाज भी दे रहे हैं, मुफ्त इलाज भी दे रहे हैं। झूठ फैलाना बंद करो केजरीवाल साहब, बंद करो पंजाब दे लोकां नूं बेवकूफ बनाण। जिस दिल्ली दे विकास दे कसीदे तुसी पढ़ रहे हो ना, उस दी सच्चाई सामने आ चुकी है। तुसी कहंदे हो कि जो जिहा विकास तुसी दिल्ली विच कीता, अजिहा कोई कर नहीं सकता। पर ए दावे करन तों पहला तुसी क्यों भुल जांदे हो कि साडे देश विच राइट टू इनफॉर्मेशन नाम दी एक व्यवस्था है, जो तुहाडे सरकारी दावयां दी पोल खोलण लई ही बनाई गई सी। ਇਹ ਵੇਖੋ RTI ਦੇ ਉਹ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, RTI ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ दिल्ली विच कोई नवा कॉलेज बनाया गया ते ना ही फ्लाईओवर। लुधियाना विच मीडिया सामने आके अरविंद केजरीवाल ने पंजाब दे लोकां नूं दिल्ली दी तर्ज ते सेहत सहूलतां देण दा वादा भी कीता, पर दिल्ली विच जो मोहल्ला क्लीनिकां नूं खोल के केजरीवाल साहब तुसी अपनी पिट्ठ थापड़ रहे हो, उन्हां दी हकीकत भी तुहाडे दावयां नाल मेल नहीं खांदी। इस वेले असीं मयूर विहार फेस टू दे विच मौजूद हाँ। तुसी देख सकते हो एक वड्डा बोर्ड जिहड़ा लगाया गया, आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक मयूर विहार फेस टू पॉकेट बी। ये बोर्ड जिहड़ा दर्शा रहा है कि इस गेट के अंदर जिहड़ा है वो मोहल्ला क्लीनिक स्थित है। ये मोहल्ला क्लीनिक के बाहर दी तस्वीर ने कोई किसी मोहल्ला क्लीनिक की बजाय एक कबाड़ घर जिहड़ा है वो ज़्यादा लग रहा है। तुसी तस्वीर जिहड़ियां देख सकते हो, ये मोहल्ला क्लीनिक है। हालांकि बकायदा इत्थे CCTV लगाए गए ने, AC लग्या होया है, पर आस पास का जो तस्वीर ने वो तुसी देख रहे हो कि हालात ने इस मोहल्ला क्लीनिक दे। इस वेले जिहड़ा है 1:33 होए ने, जिहड़ा है ये मोहल्ला क्लीनिक इस वेले बंद है, जबकि टाइमिंग जिहड़ी मैनशन की गई है 8 तो लैके 2 तक, यानी कि इस मोहल्ला क्लीनिक की टाइमिंग जिहड़ी 8 तो लैके 2 तक है। 2 तक कोई भी मरीज आके जिहड़ा इत्थे दवाई ले सकता है, जांच करा सकता है, पर 2 तो पहला ही जिहड़ा है वो ताला लग्या होया। असी करीब 1:30 इत्थे पहुंचे हाँ, हुण ताला पिछले किन्ने घंटियां तो लटक रहा है, इत्थों दा जिहड़ा स्टाफ है वो ही दस सकता है। और आस पास दीआं तस्वीरां तुसी देख लो कि इस वेले दिल्ली दे विच डेंगू की स्थिति बनी हुई है। डेंगू का प्रकोप जिहड़ा है वो आउण वाला है, इसनों लैके सेहत महकमा भी अलर्ट है, पर मोहल्ला क्लीनिक के आस पास जिस तरह दीआं तस्वीरां ने। दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। स्वीडन के मुख्यमंत्री हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने आए। उस किस्म का मोहल्ला क्लिनिक अब पंजाब के हर पिंड में खोला जाएगा, पिंड क्लिनिक बनाया जाएगा, शहरों में हर वार्ड के अंदर एक अलग क्लिनिक बनाया जाएगा। 16,000 मोहल्ला क्लिनिक, पिंड क्लिनिक और वार्ड क्लिनिक, 16,000 क्लिनिक खोले जाएंगे पंजाब के अंदर। यहाँ बोल रहे हैं 16,000 में मोहल्ला पिंड क्लिनिक बनाऊंगा। दिल्ली में तो 480 बने हैं, उनमें से 270 बंद पड़े हैं। झूठ क्यों बोलते हैं? जो हमने वादे किए हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो है, वो इसको एग्जैक्ट डिटो कॉपी किया है। एक अस्पताल 5 में नहीं बनाया केजरीवाल ने, ऐड नहीं किया। सो उनकी आदत है कि दूसरे सूबे में जाओ झूठ बोल दो। दिल्ली में सेहत सहूलतों का कच्चा चिट्ठा कोरोना महामारी की दूजी लहर दौरान ही खुल गया सी। 25,000 तो वध मौतां कल्ली राजधानी दिल्ली में हुई। मौजूदा सरकारी हस्पतालों में बैडा की गिनती वधाउण दा जो तुसी दावा कीता सी वो भी फर्जी ही निकलिया। याद करो, तुसी केंद्र दे सामने कोविड दे दौरान हथ खड़े कर दिते सी कि ऑक्सीजन की सप्लाई मरीजा तक पहुंचाना हुण तुहाडे बस दी गल नहीं। आज से 7 पहले जब हमने दिल्ली में सरकार संभाली थी, दिल्ली में भी यही हाल था। सरकारी अस्पतालों का बहुत बुरा हाल था,
सरकारी अस्पतालों में बहुत बुरा इलाज था। 5 साल 7 साल के अंदर हमने दिल्ली के पूरे अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों की दशा बदली है। आज पंजाब के सरकारी अस्पतालों के अंदर कोई मशीन काम नहीं करती, एक्सरे की मशीन काम नहीं करती, या तो मशीनें है ही नहीं, और या मशीनें काम नहीं करती या मशीनें चलाने वाले नहीं है। दिल्ली में भी यही हाल था। आज दिल्ली के अंदर सारी मशीनें हैं, मशीनें काम करती हैं और मशीन चलाने वाले भी हैं। इहदे च होर की लिखते हैं, एक RTI कढ़ाई है कि आपने कहा सी असी 30,000 बैड ऐड करांगे दिल्ली च। RTI का जवाब आया, नो न्यू बैड्स वर एडेड, ऑल दी डॉक्यूमेंट्स विद प्रूफ आई एम गोइंग टू गिव यू। फिर अगे की कहते हैं जी, दिल्ली हाई कोर्ट ने वॉज इनफॉर्म दैट 35 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर इन दिल्ली आर रीलिंग अंडर डिलैपिटेटेड एंड क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद इनएडिक्वेट मैन पावर। की ना उत्थे मशीना, ना उत्थे बंदे, ना उत्थे डॉक्टर, ना उत्थे नर्स, कोई हालात ही नहीं थे। उत्थे इलाज किदा होना सी, बिस्तरे तक नहीं सी। एक सर्वे होया, इन सर्वे ऑफ सिटीज कंडक्टेड बाय housing.com इन 21, दिल्ली वॉज रेटेड एट द बॉटम ऑफ अमंग टॉप 8 सिटीज विथ पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड च, हाई कोर्ट च, सुप्रीम कोर्ट च, हरेक की टिप्पणी आ गई है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर च सब तो माड़ा हाल साढ़े कैपिटल का है, जिदी मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने तदे लोगों ने भज भज आपके इलाज दिल्ली तो बाहर कराए, दिल्ली च नहीं कराए। ये गल तो साफ है कि दिल्ली में विकास की जो तस्वीर आम आदमी पार्टी वालों इश्तहारों के जरिए विखाई गई वो सच नहीं। अजे भी हूँ सवाल यह भी उठता है कि पंजाब के लोग इस सच को वेखण तो बाद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के दावे से की भरोसा करेंगे। दिल्ली तो जसमीत सिंह के नाल रमनदीप कुमार, PTC News चंडीगढ़।